हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, यह सीरीज नंबर 63 है। एंड दोस्तों, यदि आप इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोस को वॉच करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज दिए जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीता? कुश्ती में किस भार वर्ग में एंड बॉक्सिंग में किस भार वर्ग में, किस ओलंपिक में? 2008 के बीजिंग चीन ओलंपिक में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुश्ती में सुशील कुमार ने 66 केजी भार वर्ग में एंड बॉक्सिंग में विजेंद्र कुमार 75 केजी भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध है? तो ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध है सेना से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारतीय सेना ने ओलंपिक खेलों में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर 2003 में ऑपरेशन ओलंपिक लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा औपचारिक रूप से शुरू हुई कब हुआ बेटा? तो म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में शुरू हुआ था 1972 में। 1972 के म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर शुभंकर की शुरुआत हुआ था, और पहला शुभंकर आधिकारिक तौर पर था वाल्दी, एक शिकारी कुत्ता वाल्दी। दोस्तों, जैसा कि शुभंकर की शुरुआत 1968 मेक्सिको सिटी से ही हुआ था, जो उसका शुभंकर था पालोमा, एक कबूतर। आधिकारिक रूप से तो 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी में शुभंकर था वाल्दी, एक शिकारी कुत्ता। जबकि दोस्तों, 2020 टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ है, उसका शुभंकर था मस्कर था मिराई तोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन सा देश रहता है बेटा? तो उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे होता है ग्रीस यानी यूनान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोस्तों, जैसा कि उद्घाटन की घोषणा मेजबान देश का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष करता है, वह खेलों के आरंभ की घोषणा करता है, किंतु खेलों में यूनान टीम सबसे आगे और सबसे पीछे मेजबान देश उसे कहते हैं जहां पे ओलंपिक आयोजित होता है। तो सबसे आगे ग्रीस होता है यूनान देश, एंड सबसे पीछे मेजबान देश होता है, एंड बीच में बाकी टुकड़ियों को वर्ग के अनुसार रखा जाता है। राष्ट्रपति या राजा मार्च पास्ट की सलामी लेता है और ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 16 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? तो आप सबको पता है यूनान ने किया था। कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीस में। एंड दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत भी एथेंस ग्रीस में ही हुआ था 1896 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलें आरंभ हुई कब हुआ था दोस्तों? 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 अप्रैल 1896। नेक्स्ट है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए थे किसमें? तो एथेंस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो कब हुआ था प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल? 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक हर बार कितने समय बाद होते हैं? तो हर चौथे वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कौन से स्टेडियम में आयोजित किए गए थे दोस्तों? तो यह एथेंस ग्रीस के पेनाथेनिक स्टेडियम में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हिलेनो डिकॉर्ड। प्राचीन ओलंपिक में क्या होता था दोस्तों कि प्रतियोगिता से पूर्व 10 माह का प्रशिक्षण प्रतिभागी को लेना अनिवार्य था, और अंतिम 1 माह तक ओलंपिक खेलों के आधिकारिक जज की देखरेख में व्यतीत करना था। उस आधिकारिक जज का नाम होता था, कहते थे हेलेनो डिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के कारण आयोजित न हो सकने वाली ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं थी? तो दोस्तों तीन ओलंपिक ऐसा है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं आयोजित हो सकी, 6वीं 16वीं 12वीं एंड 13वीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 6वीं 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया, 12वीं 1940 हेलसिंकी एंड 13वीं लंदन 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई? तो महिलाओं को सर्वप्रथम कब भागीदारी किया गया? तो 1900 पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? तो जैतून के पत्तों से बना मुकुट दिया जाता था। यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में केवल अनाज व पशु ही पुरस्कार रूपे दिए जाते थे, उसके बाद जैतून की पत्तियों से बना मुकुट विजेताओं को पहनाया जाने लगा। इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर और सम्मान अधिक दिया जाता था। विजेताओं को के स्टैच्यू भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? तो ग्रीस के निवासी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। 19वीं शताब्दी में ओलंपिक गान की रचना ग्रीस यानी यूनान के संगीतकारों, जिसका नाम था स्पाइरा समारास और एवं कोस्टिम पलामास ने की थी। और इस गीत को 1958 में IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मान्यता प्रदान की, और पहली बार गाया गया 1960 रोम ओलंपिक में, उद्घाटन या समापन समारोह में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सुझाव दिया था कार्ल डाइम ने। कार्ल डाइम ने इसको प्रस्तावित किया था, और आधिकारिक तौर पर यह जलाया गया था 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था है, एशियाई खेलों का नियंत्रण कौन करती है दोस्तों? OCA यानी ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया। दोस्तों जैसा कि एशियाई खेलों का सर्वप्रथम प्रारंभ 1952 नई दिल्ली में हुआ था, और इसके पिता यानी शुरू करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर जी.डी. सोंधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है?
तो दोस्तों ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? तो ग्रीस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता थे, तो कौन थे? लीन फोर्ड क्रिस्टी। ओलंपिक खेल 1992 बार्सिलोना स्पेन में संपन्न हुआ था। इन खेलों में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ की विजेता ब्रिटेन के लीन फोर्ड क्रिस्टी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? तो प्रति प्रतियोगिता, एक प्रतियोगिता से केवल 3 प्रविष्टि ही अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? तो कौन समाप्ति की घोषणा करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट, आईओसी यानी आईओसी का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि उद्घाटन की घोषणा कौन करता है दोस्तों? मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उद्घाटन कौन करता है? उद्घाटन की घोषणा राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष मेजबान देश का, और समाप्ति की घोषणा करता है आईओसी का अध्यक्ष। ठीक है, प्रेसिडेंट। जैसा कि दोस्तों समापन के समय ओलंपिक खेलों में 3 ध्वज फहराए जाते हैं। सबसे पहले यूनान के ध्वज को यूनान के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ, दूसरे नंबर पर मेजबान देश का ध्वज वहां के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ, एवं अंत में उस अगले देश का ध्वज जहां अगले ओलंपिक होंगे वहां के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ फहराया जाता है। एंड उपयुक्त प्रक्रिया पूरे होने पर आईओसी का अध्यक्ष आयोजकों के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। वह तब खेलों के समापन की घोषणा करता है एवं युवाओं को आह्वान करता है कि वे 4 साल बाद अगले ओलंपिक खेलों में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? किसको सौंपी जाती है दोस्तों? किसी देश को नहीं, उसके शहर को सौंपा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसा कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य मताधिकार से ओलंपिक खेलों के आयोजन का दावा करने वाले शहरों में से एक का चुनाव करता है। स्थल चयन के निर्णय की सूचना आईओसी जो है वो संबद्ध राष्ट्रीय ओलंपिक के माध्यम से उस शहर के मेयर को भेजती है। मान लीजिए दोस्तों आईओसी किसको भेजेगी? मान लीजिए भारत देश का राष्ट्रीय ओलंपिक कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ, आईओए। अगर मान लीजिए भारत के किसी देश किसी स्थान को वह ओलंपिक के लिए चयन करती है, यानी मान लो मुंबई को किया, तो उसकी सूचना भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए को भेजेगी आईओसी, जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तब संबंध देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों के आयोजन एवं संचालन का दायित्व लेती है। यदि भारत मुंबई में होगा तो कौन दायित्व लेगा उसके संचालन का? आयोजन और संचालन का भारतीय ओलंपिक संघ, आईओए लेगा। एंड एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी गठित की जाती है, और एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी गठित की जाती है जिसमें उच्च अधिकारी होते हैं जो ओलंपिक खेलों के आयोजन से संबंधित सभी मामलों को देखती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और आगे बने रहिए इसी तरह। एंड दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए होंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड जो भी टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी बचे हुए हैं, एनाटॉमी एंड हेल्थ एजुकेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बैलेंस डाइट, इन सब के बारे में मैं स्टेप बाई स्टेप वीडियो लाती रहूंगी। तो दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।